10-12 दिन में जो है चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो जाती है, इसके बाद हम आपको जो है सूचित। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है और हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट का दावा, एसटीएफ जांच में जुटी। देखिए इस तरीके की जो बहुत सारी जो खबरें हैं वो वायरल होती रहती हैं प्रत्येक एग्जाम के पहले, तो आप लोग किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। और इसी प्रकार से यूजीसी नेट के बारे में भी बातें वायरल हुई थी और बाद में पता चला था कि यूजीसी नेट का जो पेपर का जो एग्जाम जो पोस्टपोन किया गया था वो बिल्कुल गलत तरीके से पोस्टपोन किया गया था, कोई पेपर आउट नहीं हुआ था। यहाँ पर पैसे कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे लोग अपनाते हैं और जब पेपर आउट होता तो किसी को पता भी नहीं चलता है। यहां पर देखिए लिखा है कि यूपी पुलिस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने झांसे में फंसाने के लिए जालसाजों ने पेपर आउट करने का दावा तक सोशल मीडिया में कर डाला है। 23 अगस्त को परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले पर्चा उपलब्ध कराने का दावा किया गया है और इसके लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक मांगे गए हैं। बताइए 5,000 रुपए। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने इस तरह के मामले सामने आने पर एसटीएफ को सतर्क कर दिया है। एसटीएफ ने अपने स्तर से इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस तरह के झांसे में ना आए। और मैं भी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक जानकारी स्पष्ट रूप से दे दूं कि आप लोग किसी की भी झांसे में बिल्कुल भी ना आए और किसी भी तरीके की प्रैक्टिस में शामिल भी ना हो। और इस बार जो चर्चाएं हैं वो पेपर लीक की कम है, अंदर की ज़्यादा है कि लोग सब जानते हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहा है और ना ही पेपर लीक हुआ है, इसलिए अब ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं कि हम अंदर से करवा देंगे। तो अंदर के लिए भी कोई भी विद्यार्थी किसी को भी कोई रुपया पैसा ना दे। और ऐसे लोगों के लिए यूपी पुलिस ने जो एक नंबर है वो जारी किया है, आप लोग उस नंबर में यूपी पुलिस को बता सकते हैं, एसटीएफ को बता सकते हैं और पुलिस की सहायता कर सकते हैं और अपनी भी सहायता कर सकते हैं। पुलिस से ज्यादा ये आपकी अपनी सहायता है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसमें जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, लिखा कि इसमें लिखा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर मैं आप लोगों को दूंगा चाहे जैसे दूं, बस आप अपना प्रवेश पत्र तैयार रखें। साथ ही यह भी लिखा गया है कि पहले आपसे आपके प्रश्न पत्र की कॉपी ली जाएगी, इसके बाद ही आप लोगों को आपके बैच के हिसाब से पेपर का पीडीएफ मिलेगा। इस संदेश के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस ग्रुप पर संदेश भेजे हैं जिनसे रुपए की मांग करते हुए लिंक भेज करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को कहा गया है। अचानक इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया है और फिर इसी से मिलते जुलते नाम का एक दूसरा टेलीग्राम चैनल दिखने लगा है। इसमें पहले संदेश के रूप में लिखा गया है कि कुछ लोगों की वजह से पुराना चैनल डिलीट करना पड़ा और अब इस पर पेपर मिलेगा, पूरी तरीके से बिल्कुल फर्जी है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि ऐसे कई ग्रुप बने हैं, पता चलते ही एसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया है, इसके झांसे में अभ्यर्थी ना आए, ग्रुप बनाने वालों का पता लगाया जा रहा है। उधर एसटीएफ की दो टीमें भी नजरें रखी हुई हैं, डीजीपी ने भी सभी जिलों के पुलिस मुखिया को अलर्ट कर दिया है। अब तक की जाँच में यह जालसाजी ही निकली है, ये स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरी तरीके से जालसाजी है। क्लियर कर लीजिए कि ये पूरी तरीके से जालसाजी है, तो अब आप लोग इसके चक्कर में न रहिएगा, अपना पेपर आराम से ठंडे दिमाग से दीजिएगा, किसी को भी नहीं मिल रहा, टेंशन में नहीं आना है कि कोई विद्यार्थी ये सोचे कि नहीं हमको नहीं मिला, किसी को मिल गया होगा या कोई अंदर से करवा, कोई कुछ नहीं रखना दिमाग में, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल आराम से फ्रेश माइंड से पॉजिटिव सोचते हुए आप लोग अपना एग्जाम दें। और वहीं पर यूपी सरकार ने अच्छी खासी व्यवस्था की है, रोडवेज का आज जो एक टिकट है वो वायरल हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि किसी भी विद्यार्थी को पैसे नहीं देने हैं, कोई शुल्क नहीं देना है रोडवेज, आपको बस केवल अपना एडमिट कार्ड देना है। देखिए यहाँ पर ये एक टिकट है अयोध्या टू बहराइच, आप एडमिट कार्ड दे देंगे और उसमें टिकट तो आपको मिलेगा, 0 रुपये लिखा रहेगा लेकिन उसमें, और टिकट तो इसलिए रहता है कि एक रिकॉर्ड रहता है कितने विद्यार्थी। अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और लास्ट में मैं बात करूंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की, चूंकि आज मैं गया हुआ था, कुछ छात्र गए थे जूनियर के विद्यार्थी, जूनियर भर्ती की मांग को लेकर के, तो वहाँ पर कुछ बातचीत हुई है वो बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती, आज चयनितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है अपनी नौकरी बचाने को लेकर के। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, एक तो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, वहीं पर जिनकी पहले से लगी हुई है वो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं, जिनकी है वो भी सुरक्षित नहीं है और विद्यार्थी तो बेरोजगार हैं ही। ये आप लोग देख सकते हैं ये खचाखच भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो SCERT का जो कार्यालय है वहाँ पर ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना साफ है कि हमको जो है लिखित में आश्वासन दिया जाए और पूरी बात बताई जाए किस तरीके से हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी डबल बेंच के ऑर्डर से। और ये आप देख सकते हैं कि फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है, अभी भी ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का यहाँ पर हो रहा है।
शाम को भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है, ये देखिए आप लोग। भाई नौकरी के लिए इतनी भीड़ कभी नहीं लगती है, नौकरी बचाने वाली बात है तो भीड़ तो लगेगी ही। और ये देखिए आप लोग, ये और आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में रह सकते हैं। बहुत सारे छात्रों से मेरी आज बात भी हुई है, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, और सबका यही कहना है कि ऐसा नहीं होता कि जब मन हुआ तो कोर्ट का आदेश माना, जब मन हुआ तो नहीं माना। सिंगल बेंच ने कहा था कि डबल आरक्षण मिला है, तब तो सरकार मानी नहीं। डबल बेंच का जब आ गया मामला आर्डर तो उसको क्यों मान लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए था। जब सिंगल बेंच का नहीं माना, डबल बेंच का नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और विद्यार्थियों को ये भी कहना है कि डबल आरक्षण को लेकर के हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इन विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है, ये तो चयनित हैं। दूसरे विद्यार्थियों की बात हुई है जिनका चयन नहीं हुआ है। तो चूंकि सिंगल बेंच ने यह कहा था कि इसमें जो है डबल आरक्षण का मामला है, ओबीसी जो विद्यार्थी 90 नंबर ला करके पास हुए थे, 90-97 के बीच में उन विद्यार्थियों को जनरल में न रखा जाए, उनको कैटेगरी में ही रखा जाए, उनकी ओवरलैपिंग ना कराई जाए। आपको पता होगा कि 69,000 छात्रवृत्ति में लगभग 48,00,000 विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के हैं, जिसमें से 31,000 विद्यार्थी ओबीसी के हैं और 17,000 से ज्यादा विद्यार्थी एससी वर्ग के हैं और 45,000। जब उनसे ये कहा गया कि इसमें डबल आरक्षण कैसे, तो उन विद्यार्थियों ने बताया कि सर जो सुपर टेट में तो आरक्षण मिलता ही है, तो ठीक है, और सुपर टेट में भी आरक्षण मिला। तो मैंने कहा कि ये तो पात्रता परीक्षा बताई जा रही है, ये तो पात्रता परीक्षा है। तो उनका ये कहना था कि पात्रता परीक्षा है तो फिर बिहार में क्यों निकाले जा रहे हैं। बिहार में कहा जा रहा है कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं या महिलाएं हैं जिनको टीईटी में जिनका नंबर कम है, तो उनको बाहर क्यों किया जाए, उनको कहा जा रहा है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। खैर जो भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है मामला लंबा खींचेगा। और दूसरी तरफ जो 19,000 के विद्यार्थी हैं जिनको सपने दिखाए गए हैं 19,000 में 19,000 सीटों के लिए, कि 19,000 सीटें की जो लिस्ट है वो जारी हो गई। ये वाला देखिए, अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो दो लोगों का था, 6800 के विद्यार्थियों ने परसों और कल धरना किया, और जो ये चयनित विद्यार्थी आज कर रहे हैं। दूसरा 19,000 वाले भी विद्यार्थी हैं जो मुख्य रूप से डबल बेंच को मामले में ले गए थे, और ये विद्यार्थी अभी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सूची जारी होगी वैसे ही हम जो अपना जो मामला वो तेज कर देंगे और कोर्ट जाएंगे। इनका ये कहना है कि जो बची हुई 20,000 सीट है जनरल का जिनमें चयन हुआ है, उसमें से इनको 19,500 या 19,000 सीटें चाहिए। तो ये वाला वर्ग है, इनसे भी बातचीत हुई है, ये वर्ग भी तैयार है बिल्कुल कोर्ट जाने के लिए। इनका ये कहना है कि 48,000 तो सीट के अलावा 48,000 सीटों के अलावा 19,000 सीटें 19,000 सीट जो है और चाहिए, ये अगर इससे कम आएगी तो ये हमको मंजूर नहीं है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी वेट एंड वॉच वाला मामला है। और जब ये डबल बेंच का ऑर्डर आया था तब भी मैंने आप लोगों से ये बताया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि देखिए ये दिल मांगे मोर, विद्यार्थी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। सरकार को लोग कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं सरकार वो सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 19,000 सीट नहीं मांग रहे हैं। मैं सही सलाह दूंगा, मैं झूठा आश्वासन कभी नहीं देता अपने चैनल में। आप लोग वीडियो देखिए या ना देखिए, और झूठे सपने मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। स्पष्ट रूप से कहूंगा कि 19,000 सीटें नहीं मिल सकती, किस तरीके से मिलेंगी, 69,000 में आपको 68,500 सीटें कैसे मिल सकती हैं। सरकार ने तो तुरंत, जैसे ही सरकार लड़कों ने आंदोलन किया, दबाव डाला, सरकार ने तुरंत 6800 की सूची को जारी कर दिया था। सरकार कोर्ट नहीं गई थी, लेकिन गए थे कोर्ट 19,000। असली लड़ाई यहां पर ओबीसी छात्रों के बीच में ही है, नहीं तो अगर वो जो विद्यार्थी थे 19,000 वाले, वो इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग करवा देते और उसके बाद में वो कोर्ट जाते कुछ भी करते, तो आज ये विद्यार्थी नौकरी कर रहे होते। इनको नौकरी नहीं करने दिया, जिस दिन सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, सूची रद्द हुई, तो दूसरे ही विद्यार्थियों ने जश्न मनाया था। जश्न किसने मनाया था, जो विद्यार्थी 19,000 सीटें मांग रहे थे ओबीसी के ही छात्र थे। और जो बात कही जा रही है ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो ओवरलैपिंग अगर नहीं होती तो ये 48,000 सीटें कैसे मिल जाती, इसको लेकर के भी बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का भी एक बयान आया है, जो इसके अध्यक्ष हैं SR दारापुरी, पूर्व IPS हैं और अंबेडकरवादी विचारधारा के ये नेता हैं। और इन्होंने लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले से इतना तो स्पष्ट है कि आरक्षित श्रेणी के युवाओं के साथ में नाइंसाफी हुई है और आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन नहीं किया गया है। लेकिन विपक्ष के कुछ दलों का यह कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में पिछड़े दलितों का हक मारा गया है, यह इन अर्थों में सही है कि आरक्षित पदों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन यह भी सच है कि अनारक्षित श्रेणी, सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के, सामान्य श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,630, अनुसूचित जाति के 1,637 और अनुसूचित जनजाति के 21 छात्रों का चयन हुआ है। इस तरह से पिछड़े और दलित और आदिवासियों का 69,000 में कुल 48,699 पदों पर चयन हुआ है। तो ये जो विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यह झूठ है, यह गलत है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछली सरकारों की तुलना में इस बार पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की अधिक नियुक्ति हुई है, यह मायने नहीं रखता है। और मुख्य प्रश्न यह है कि आरक्षित पदों पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। तो मैं बता तो रहा हूं क्यों नहीं हुई है। 48,000 में चयन हुआ है, सरकार ने 68,000 की सूची और निकाल दिया, ठीक है। 69,000 में ये आपका हो गया लगभग 56,000 से भी ज्यादा, और मांग थी इनकी 19,000, जिससे मामला कोर्ट में चला गया, इसलिए नियुक्ति नहीं हो पाई। खैर छोड़िए, 69,000 में लंबा चलेगा, कोई भी चीजें फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो, कुछ भी अभी आपने सोचिए, जिस दिन ऑर्डर हुआ था मैंने उसी दिन आप लोगों से कहा था, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग नौकरी करते रहे, जो लोग लड़ाई करते रहे वो लड़ाई करते रहे, और अभी ये चलेगा। रायता बहुत भयानक फैलाया गया अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, और छात्रों की ये बात सही है कि सरकार को उन अधिकारियों का नाम उजागर करना चाहिए जिन्होंने ये गड़बड़ी की है। इस पर मैं साथ में हूँ, जो चीज़ें सही है मैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँ। अब हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन को लेकर के, आज एक बयान भी आया है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो अभी बनाया था दोपहर में, आप लोगों ने देखा होगा, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का वीडियो था, और विद्यार्थी गए थे नई जूनियर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। उनका ये कहना था कि जितने भी GIC विद्यालय हैं या जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें नई जूनियर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए, और इसमें जो PGT के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, LT के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, ये पूरी तरीके से अयोग्य शिक्षक हैं, इनके पास TET का सर्टिफिकेट नहीं है उच्च वाला। दूसरा तर्क ये था कि जब जूनियर में भर्ती ही नहीं आती है, इन विद्यार्थियों का तर्क ये है कि जब जूनियर में भर्ती ही नहीं आती है, जूनियर में कभी आज तक 1978 से भर्ती नहीं आई है GIC में, और जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 29,000 की भर्ती निकाली थी जूनियर की, और उसके बाद में नियमावली में संशोधन भी कर दिया था। और मैंने पहले भी इसकी पहले भी कई बार बताया है कि ये जितनी भी सरकारें हैं वो विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं रहती हैं, उनके प्रिय होते कर्मचारियों का चूंकि होता है संगठन, वो अपना काम करवा लेते हैं, तो 100% प्रमोशन कर दिया लेखपालों का आरओ में, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, और जो शिक्षक होते हैं उनको खुश करने के लिए 100% प्रमोशन कर दिया गया है प्रसिद्धि विद्यालयों में। ये तो बात होगी प्रसिद्धि विद्यालयों की, लेकिन GIC के लिए और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए, विद्यालयों के लिए कुछ नहीं है, वहाँ भर्ती नहीं होती, 1978 से भर्ती नहीं होती है, उन्हीं से पढ़वाते हैं TGT PGT और LT से। तो ये ज्ञापन इन विद्यार्थियों ने आज दिया है। आज सचिव से वार्ता भी हुई थी, सचिव जी ने कहा है कि 10-12 दिन और लगेगा, संभावना है चेयरमैन आ जाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे आपकी बात रखेंगे। तो अब चेयरमैन का इंतजार और भी बढ़ गया है, और अभी सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो मैंने आप लोगों को कहा था कि TGT PGT की जो परीक्षा है वो धीरे धीरे अगले साल जाती हुई दिख रही है, या अगले साल ही अब हो पाएगी। तो ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से आश्वासन दिया और ये कहा कि 10-12 दिन में जो है चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो जाती है, इसके बाद हम आपको जो है सूचित करेंगे, आप आइएगा, आप उनके सामने अपनी बात को रखिएगा। जो साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया और ये कहा कि 10-12 दिन में जो है चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो जाती है, इसके बाद हम आपको जो है सूचित करेंगे, आप आइएगा, आप उनके सामने अपनी बात को रखिएगा। जो भी वार्ता हुई सार्थक